गाइज वेलकम बैक, मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं तस्वीर ट्रैवलर। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं एक फोटोग्राफर हूँ, पढ़ा भी लेता हूँ, फिल्म मेकर हूँ और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। ठीक है, अब है कि बीइंग अ फोटोग्राफर, बीइंग अ फ्रीलांस फोटोग्राफर, मैं कई बार जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे फोटोज़ खींचता हूँ अपने एडिटोरियल असाइनमेंट्स के लिए। तो उसी में इस बार मैं गया था छठ पूजा शूट करने के लिए दिल्ली में ही, नॉट दिल्ली, नोएडा में एक जगह है कालिंदी कुंज। तो वही कालिंदी कुंज के अपने शूट से मैंने कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड किए थे अपने फ़ोन में, अपने कैमरा में, सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं या आप अगर देखना चाहते हैं कि दिल्ली के इस हिस्से में छठ पूजा कैसे मनाई जाती है, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ रखने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, फोटोज। मैंने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं घर से निकला, मुझे दिखे यहाँ पे ये लोग जो बाइक पे उल्टा बैठ के जा रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग था। तो जैसे आपको बताया दिल्ली में अलग अलग हिस्से में छठ पूजा की जाती है, तो इट वॉज वन ऑफ देम। फिर वहां से मैं पहुंचा, जैसे पहुंचा तो देखा लोग ऑलरेडी सामान ट्रकों से उतार रहे थे, और क्योंकि यहाँ पे लोग एक जगह इकट्ठा होके आते हैं तो ऑब्वियसली उनको एक लेवरेज मिल जाता है कि ज़्यादा लोग साथ में आ सकते हैं। तो वही मैंने देखा, साथ साथ लोग चल रहे थे, अपना अपना जो पूजा का सामान होता है वो सर पे चढ़ाए, गन्ना कंधे पे लिए चल रहे थे, एंड वॉज वेरी गुड। और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। मुझे लगा यार इतने लोग भी नहीं रहते होंगे, छठ के टाइम पे इतनी भीड़ चलती है ट्रेन में कि लोग चले जाते होंगे, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ रहते हैं जो यहाँ पे छठ पूजा में शामिल होते हैं, पूजा को बड़ी श्रद्धा से सेलिब्रेट करते हैं, और वही लोग मुझे यहाँ आते जाते दिखे थे, जिसमें से कुछ लोगों ने बड़ी बड़ाई की कि भाई रोड इस बार अच्छा बन गया है, इस बार जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं, एंड दैट टू आई फेल्ट कि वहाँ पे मिट्टी काफ़ी मुलायम थी, और क्योंकि इस बार यमुना का पानी थोड़ा नीचे चला गया था तो उसकी वजह से यमुना का बहुत सारा हिस्सा बाहर आ गया था और वहाँ पे बहुत अच्छी सी मुलायम सी मिट्टी लोगों को मिली थी, विच वॉज वेरी कम्फर्टेबल फॉर पीपल, क्योंकि वो खाली पैर चल के आ रहे थे। तो इसी में देखा कि कुछ लोग यहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं, कुछ पापा के कंधे पे चढ़ के आ रहे हैं, एंड देन देयर वर गर्ल्स जो अपनी जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ पूजा कर सकते हैं। तो मुझे दिखा कि भाई सिर्फ लड़कियाँ नहीं हैं, लड़के भी लगे हुए हैं पूजा पाठ में, वो भी जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, सबको छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पे वो आराम से बैठ के पहले सारा सामान खोल सके, फिर वो अर्घ देने के लिए पानी के अंदर जाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो बहुत श्रद्धा से पूजा करती है वो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ के यमुना के अंदर पूजा कर रही थी। और भाई ये बता दूं, यहाँ पे सिर्फ औरतें नहीं थी, यहाँ पे मर्द भी थे, सभी लोग पूजा कर रहे थे। तो इट वॉज अ वेरी गुड सिचुएशन जहाँ पे मैं घूम घूम के चीज़ों को काफ़ी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि वही बात है, पहली बार देखा तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बट घूमते घूमते मुझे दिखे ये दो जनाब, भाई अलग लेवल के चिल, आराम से बैठे हुए हैं और बैठ के आते जाते लोगों को देख रहे थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्लो मोशन वीडियो भी डाला हुआ है, क्योंकि जहाँ अफरा तफरी हो रही थी, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं जगह ढूंढ रहे हैं, वहाँ ये दोनों लोग क्या मस्त आराम से बैठे हैं, दुनिया देख रहे हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वही ये देख रहे थे। और फिर इनके साथ ही मैं भी देखते देखते थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा कुछ लोग आपस में एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, फिर देखा कुछ लोग और बच्चे वहाँ पे बलून, गुब्बारा, चक्री, बाकी सारी चीज़ें बेच रहे थे जैसे यूजुअली किसी भी मेले के अंदर होता है। और अब मेला है तो बच्चे खाएंगे भी, तो वहाँ पे चाट वाले भैया भी अपना लगे हुए थे, चाट खिला रहे थे बच्चों को, एंड वहीं पे साइड में लोग अपनी पूजा पाठ भी कर रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, रिचुअल्स मैंने भी पहली बार देखा था, नॉट एग्जैक्टली पहली बार बट दिल्ली में पहली बार देखा था। तो देखा सब तरह के लोग यहाँ पे आए हुए थे, चाहे वो पूजा करने के लिए आए हो या फिर वैसे ही घूमने के लिए आए थे। तो पूजा हो गई, लोग फिर वापस जाना शुरू किए, तो जैसा आप देख सकते हैं पापा का हाथ पकड़ के बच्चे वापस, सामान उठा के पापा वापस, तो अलग अलग टाइप के लोग वहाँ से फिर अपना अपना पूजा ख़त्म करके निकलना उन्होंने शुरू किया। इतने में मैंने देखा कि भाई अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो चलिए कुछ पिक्चर्स भी खींच लिया जाए, तो मैंने वहाँ पे थोड़ी भीड़ की भी पिक्चर्स खींची और थोड़ा सा डूबते हुए सूरज की भी पिक्चर क्लिक की। अब मज़े की बात है कि यहाँ पे सिर्फ लोग चक्री वक्री नहीं खरीद रहे थे, लोग पटाखे भी फोड़ रहे थे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा जगह ढूंढ रहा है, घूम रहा है, फिर देखता है अरे फोटोग्राफर भैया तो फोटो खींच रहे हैं, पेड़ लगा धाएं काफ़ी मज़ेदार था उस बच्चे को देखना, एंड फिर
वहीं से थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा भाई यहाँ पे भी एक दोस्त है, बिल्कुल चिल आराम से बैठ के पापड़ खा रहा है। जीवन में कोई दुख नहीं था उसको, दुख था बेचारा इन बच्चों को जो अभी फोटोग्राफी सीख रहे हैं। तो ये भी लगे हुए थे भाई तुम्हें क्या फोटोज़ मिली है, तुम्हें क्या फोटोज़ मिली है। तो लोग अपनी अपनी पिक्चर्स ढूंढ रहे थे, मैं भी वही कर रहा था, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। अब होता ये है कि जहाँ पे इतना बड़ा या ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोटोग्राफर्स आते हैं, चाहे वहाँ पे प्रोफेशनल हो जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं या फिर जो लर्नर्स होते हैं जो अभी सीख ही रहे हैं, वो लोग भी आते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। बता दें दोस्त कुछ तो है, लेकिन मुझे ये गुब्बारे वाले चक्री वाले हमेशा दिख जाते हैं और मैं ढूंढ के उनकी पिक्चर्स या वीडियोस बना ही रहा था। इतने में ही मुझे यहाँ पे एक भैया भी दिख गए, खुश थे, मुस्कुरा रहे थे कि भाई हमारी भी वीडियो बन रही है, शायद मैं भी टीवी पे आऊँगा। तो अगर आप में से कोई जानता है इन भैया को, प्लीज़ इनको टैग ज़रूर कीजिएगा कमेंट में और उनको बताइएगा कि वो एक्चुअल में यूट्यूब पे आए थे। एंड फिर यहाँ का इवेंट ख़त्म होते ही पूरा हुजूम अब यमुना किनारे से उठ के ऊपर नोएडा की ओर निकलना उन्होंने शुरू किया। तो जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो देखे भाई इतने सारे लोग, तो मैंने सोचा भाई ट्राईपॉड में लेके घूम रहा हूँ तो ऐसी एक पिक्चर तो मैं ज़रूर खींचूँगा। तो यहाँ पे मैंने स्लो शटर स्पीड में भी फ़ोटोज़ क्लिक की, प्लस वहाँ पे और भी अलग अलग टाइप की पिक्चर्स क्लिक की। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यार इन्होंने अंधेरे वाले पिक्चर्स क्यों क्लिक की हुई है। तो मामला ये था कि है तो भैया ये यूपी, अब बिजली कट गई उसी टाइम पे जब लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो इसीलिए आप यहाँ पे ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं कि भीड़ थोड़ी सी हटेगी तो फिर लोग अपने अपने ट्रकों में चढ़ेंगे। एंड वैसे ही लोगों ने अपने बच्चे बूढ़ों सबको ट्रकों में बिठाना शुरू किया और धीरे धीरे लोग निकल गए अपने घर की ओर। और ऐसा ही रहा मेरा एक्सपीरियंस छठ पूजा का दिल्ली शहर के अंदर। गाइज आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो शायद आपने भी इसको थोड़ा सा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस वीडियो के अंदर दिखे हैं या फिर जिनको आप ये दिखाना चाहते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। एंड इसी के साथ इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में। आई होप अपना कोई अगला एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसे ही मैं शेयर करूंगा एंड आपको कुछ नया दिखाता ही रहूंगा। तो चलिए फिर इतने रखते हैं आज के इस वीडियो में, मुलाकात होती है नेक्स्ट में।